है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों के हमारे अधिकारीगण, बहुत से कलाकार, जितने हमारे युवा साथी यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के इस कार्यक्रम में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में, दैट इज इंडिया एक्ट 75। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और उनकी संकल्पना की परिणति है हमारा ये अमृत महोत्सव। आप सबको मालूम है आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, उनके करकमलों द्वारा हमें कहना चाहिए, जब गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज उन्होंने युवाओं को संबोधित किया और दांडी मार्च एक और यात्रा की आज शुरुआत हुई। जैसा कि मैं आपसे पहले साझा कर रही थी, उन्होंने आज स्वयं कहा कि हमें वरुण देव की कृपा प्राप्त हुई है, क्योंकि आज सुबह जिस तरह से अमृत वर्षा हुई, अमृत महोत्सव के लिए ये बहुत ही शुभ संकेत है। और अब हम हमारे इस मंच पर आसीन सभी मान्यगणों से निवेदन करेंगे, कृपया दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। आप सभी मान्यगणों से निवेदन। स्वराज की मशाल को जलाए रखने और उसे भावी पीढ़ियों को सौंपने का पर्व है ये अमृत महोत्सव, जिसका आज शुभारंभ हो रहा है। एक सुखद संयोग ये भी कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनकी 125वीं जयंती के साथ भारत की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की जयंती का ये अवसर, और उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। आज दिल्ली में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, अनेक मान्यगणों की उपस्थिति में, ये हम सब का सौभाग्य है। आप सभी मान्यगणों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी हैं। सर, देश अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी के 74 साल पूरे हो गए, 75वां साल में हम आने वाले हैं, और ये एक पूरे देश में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज एक फ्लैग ऑफ अहमदाबाद से किया दांडी मार्च के लिए। जी, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और देश का आज़ादी का 75 वर्ष होने के और अग्रसर है, और जब हम 75 वर्ष हो जाएंगे आज़ादी के, तो देश कहाँ खड़ा है, कहाँ पहुँचे हैं, और जब हम शताब्दी मनाएंगे देश का, आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, तो हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, उसका भी एक दृश्यता को सामने में रखते हुए आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। और ये अमृत महोत्सव, ये हमारे देश का अपना जो एक ताकत है, उसको भी उजागर करके दुनिया के सामने में रखने का भी एक मौका है, और साथ साथ में हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो संघर्ष किया, जो स्वतंत्र सेनानी हैं, इनका सपने को पूरा करने के लिए और उनके सेक्रीफाइस को, उनके बलिदान को भी याद करने का भी ये एक मौका है। सर,
सर, आवर कंट्री इज नोन बाय द यूथ्स एंड यू आर ऑल्सो हेडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स. ये कितना बड़ा मौका है हमारे यूथ्स के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए, और नया भारत जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने एक ड्रीम दिया है और एक जोश दिया है. देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को इस अमृत महोत्सव में जोड़ना अत्यंत आवश्यकता है. यूथ आर द फोर्स ऑफ एनी नेशन और इन एनी सोसाइटी, एंड इंडियन यूथ विच आर लार्जेस्ट इन द नंबर्स, वी आर 1/5 ऑफ द ग्लोबल यूथ पॉपुलेशन. एवरी 5 यूथ इन द वर्ल्ड, 1 इज इंडियन. सो दैट इज द पावर ऑफ इंडियन यूथ. दैट इज वाई दिस अमृत महोत्सव is celebrated in a way where we galvanize the energy of the Indian youth to showcase India's strength and also to take India to a new height. आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपका क्या मूल्यांकन है? हम स्वदेशीकरण पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, हमारी सरकार इस पे जोर दे रही है, और एक हम नए आयाम पे आ रहे हैं. डिफेंस में 100 से भी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अब स्वदेश में बनेंगे, विच इज़ ए प्राउड, एनी इंडियन वुड बी प्राउड ऑफ दैट. देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जो सोच है उसके पीछे क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा क्यों लगाया? क्योंकि भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना है, और भारत के पास क्षमता है. भारत के पास क्षमता होते हुए भी हम पूरे विदेशी सामान और सामग्री पर निर्भर रहा है इतने दिनों तक. अब इसको पलटना है और भारत आत्मनिर्भर भारत बनकर के दुनिया को संभालेगा, यही प्रधानमंत्री जी का नारा है, और इसी दिशा पे आगे बढ़ रहा है.